Hey guys, what is up? Welcome back to the new vlog. भैया 11:30 बज रहा है एंड अब उठे हैं, नहा धो आए हैं और पता है ये पूरे शोल्डर्स दर्द हो रहे हैं, यहाँ से ये दर्द हो रहा है, पैर के घुटने दर्द हो रहे हैं, सब कुछ दर्द हो रहा है। इतनी ज़्यादा लंबी राइड थी ना, क्या बताएं। लेकिन हाँ, अब थोड़ा आराम है, रात भर सो लिए ना खूब अच्छे से। रात में सो रहे थे खूब, मेरी हड्डियाँ चिटकियाँ चट चट, बट अब काफ़ी अच्छा फील हो रहा है। और भाइयों बताना कि उत्तराखंड ये जो पूरी राइड थी आपको कैसी लगी, एंड आगे चल के और भी राइड्स आपके लिए आने वाली हैं। एंड जो पिछले व्लॉग में मैंने आपसे बोला था, होपफुली आप लोग वो कर रहे होंगे, एंड अगर नहीं कर रहे हैं तो प्लीज़ गाइस कर दीजिए, क्योंकि आप जितना शेयर करेंगे ना उतना ही हमको और मोटिवेशन मिलेगा एंड हम और भी बड़ी बड़ी चीज़ें करेंगे। मैंने आपसे पिछले व्लॉग में बोला था ये जो पूरी राइड हुई थी ना, इसके कुछ अपडेट देने थे, वो मैं अभी आपको अपडेट दे दूंगा। लेकिन मैं पहले सोच रहा हूँ व्लॉग एडिट करके अपलोड कर दूँ। आज मैं आई मूवी से नहीं एडिट करूँगा, आज मैं सोच रहा हूँ कि मैं काइन मास्टर ले लूँ आईफोन में भी, क्योंकि यार iOS के लिए ना काइन मास्टर अलग से लेना होगा, मेरे इस वाले फ़ोन में तो है। देखो आई मूवी में एडिट हो जाता है, बहुत अच्छा हो जाता है, बट जैसी मेरे को एडिटिंग चाहिए वैसी नहीं होती है। ये जो है मैं भी काइन मास्टर ले लूँगा, कुछ शायद 2000 रुपये का है पूरे साल का, देखता हूँ अभी थोड़ी देर में ले लेता हूँ फिर एडिटिंग चालू करता हूँ। हाँ गाइस, हम लोग इतना पहाड़ों पर से होके आए, वहाँ ठंड नहीं लग रही थी, मतलब वहाँ मेरे को ठंडी नहीं लग रही थी, लेकिन वहाँ के जितने पहाड़ी लोग थे वो सब लोग स्वेटर पहने थे, जैकेट पहने थे। लेकिन जैसे ही हम हरदोई आए, मतलब शाहजहाँपुर के आगे बढ़े, इतनी ज़्यादा ठंड, मतलब हरदोई में रात के 10:30 बजे इतनी ज़्यादा ठंड हो रही थी ना कि हम क्या बताएं। रात में मैं मोटा वाला कंबल ओढ़ के लेटा हूँ, पहाड़ों पर ठंड नहीं लग रही थी, यहाँ हरदोई में ठंड लग रही है। नहीं बज रहा है, ब्लॉक की एडिटिंग कर रहे थे कि सागर वाले ने बोला चलो बाइक की सर्विसिंग करा लेते हैं, नई वाली बाइक की भी सर्विसिंग करा लेते हैं, क्योंकि वो जो है 850 किलोमीटर चल चुकी है। वैसे तो 1000 किलोमीटर पर सर्विसिंग करानी थी क्योंकि नई बाइक है हमारी, उसने बोला था 1 महीने में करा लीजिएगा, लेकिन जब वो 850 किलोमीटर चली चुकी है तो उसकी सर्विसिंग अभी कराए दे रहे, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा उसने ऑफ रोडिंग करी है, ये सब करा है तो उसकी करा ही देते भाई। और हाँ गाइस, काइन मास्टर का भी सब्सक्रिप्शन ले लिया है, यानी कि अब जो है व्लॉग बहुत ही ज़्यादा तगड़े आएंगे। वैसे आज 1.5 महीने बाद फिर से मैंने काइन मास्टर चलाया तो थोड़े से हाथ मेरे स्लो चल रहे हैं, बट 1-2 दिन में मेरे बिल्कुल हाथ उसमें सेट हो जाएंगे और फिर से मस्त क्वालिटी वाले व्लॉग आया करेंगे आपके लिए। मतलब अभी भी मस्त क्वालिटी वाले रहें, लेकिन फिर ज़्यादातर जो है सारे 60 FPS पे आएंगे। आज जो है अपनी दोनों बाइकें जा रही हैं सर्विसिंग के लिए, और उत्तराखंड राइड के बाद अपनी बाइक की हालत देखो, ये पूरा जो है गंदा हो गया है, इधर से पूरा गंदा हो गया एंड आगे भी जो है पूरा गंदा ही हो रखा है। बट यार ये भी कुछ नहीं है, आप लोगों को तो पता है अगर इतनी लंबी लंबी राइड में कितनी गंदी होती है, हमारी वाली तो तब भी अभी बहुत ज्यादा साफ है। जब अपनी ये वाली बाइक भी सर्विसिंग होगी, उस वाली की भी होगी। और बताओ राइड के बाद मतलब शरीर दर्द हो रहा है या नहीं हो रहा? बॉडी पेन हो रहा है ना, बॉडी पेन हल्का सा मेरा भी हो रहा है। आप लोगों को पता तो होगा कि घर में किसी को पता नहीं था हम लोग जा रहे हैं। भाभी आप बताओ आपको कैसा महसूस हुआ, हम लोग इतनी लंबी राइड करके आए? अच्छा लगा। अपनी बाइक को जो है यहाँ वाली दुकान पे ले आए, एक्चुअली ये ना घर के पास ही थी तो ये वाली बाइक यहाँ पे सही होगी और बाकी वो वाली तो यामा के शोरूम में ही जाएगी। एक्चुअली उस दिन मामा ने करी थी स्टार्ट तब ये हो गई थी, बट आज जब मैंने करी, सागर दादा ने करी, तब ये स्टार्ट ही नहीं हुई, तो इसे घर से यहाँ तक पैदल लेके आए घसीटते हुए। घर के पास ही में दुकान थी तभी लाया, वरना तो भाई साहब लंका लग जाते। भैया ने पूरी अपनी बाइक खोल दिया है एंड अब वो जो है इसे चेक कर रहे हैं कि इसमें दिक्कत क्या है। ये लीजिए गाइस, अपनी बाइक जो है सही भी हो गई, बस इसमें हल्का सा कोई तार लूज था तो वो भैया ने सही कर दिया है, मस्त चलने लगी फिर से बाइक। बढ़िया चल रही, खिलौना सही में, ये तो छोटी सी बाइक लगती है खिलौना टाइप, चलने लगी। चलो ये बढ़िया रहा, इसमें ज्यादा कुछ काम नहीं कराना हुआ। ये वाली डन, ये वाली सही हो गई, इसको तो जो है मैं घर ले आया चला के, अब आप ये वाली चला सकते हो आराम से, वो भी चला सकते हो, जो चलानी हो चलाओ गाइस। ये बॉय की साइकिल खड़ी है, साइकिल कहाँ गई? अच्छा ये खड़ी, मेरे को तो ऐसा धक धक हो रहा है। ईस्ट यामा शोरूम, सर्विसिंग तो वैसे भी ऊपर ही होती है, जहाँ पहले गई थी तो वहीं लेके जा रहे हैं बाइक को। लिफ्ट में जाएगी अपनी बाइक फिर से, ये देखिए अपनी बाइक जो है 873 किलोमीटर टोटली चल चुकी है। तो भैया ये क्या, फ्यूल भी कम हो गया, बल्कि बताओ कल ही टंकी फुल कराई थी एक बार फिर से। बाइक की तो ऊपर सर्विसिंग हो रही है, तब तक मैं ना जा रहा हूँ ATM रुपए निकालने के लिए। पहली सर्विसिंग फ्री रहती है, बट लेबर चार्ज पड़ेगा कुछ 700 रुपए। मोटू से भी बोल दिया है, मोटू को बुलाया है, पता नहीं भाई साहब तैयार होने, देखो वो वाला घर आने में कितनी देर लगती है। इनको चाहे मतलब कि इनको हमने 10 मिनट पहले बोला मोटू तैयार हो, ये 10 मिनट बाद आ रहे हैं, जैसे इन्हें बारात में जाना हो। और तुम तब भी तैयार तो हुए नहीं हो, तुमने बाल भी खींचे तो हमें नहीं कहीं से खींचे हुए लग रहे हैं ये।
स्टाइल नहीं तो है ये। तो भाई रुपए निकलवाने आए थे, रुपए तो निकल गए, अब हम लोग वापस जा रहे हैं। और पता इसने आज नहाया नहीं है। अरे नहाया यार, खाजाओ कसम नहाया है। नहाया नहीं, नहाया झूठ बोला था। चल चल चल, इतनी गर्मी, मतलब गर्मी है मानते हैं, मतलब इतनी सर्दी भी नहीं है ना गर्मी है, नहाने वाला मौसम है, पता नहीं बिना नहाए कैसे रह लेता है। चल चल चल, अपनी सर्विसिंग हो रही है अभी ना, इसमें यामा का ही है नया, ये इंजन वाला डाला गया, पुराना वाला निकाल दिया गया क्योंकि 1000 किलोमीटर चल चुकी है ना, हर 1000 किलोमीटर में ये बदलता है, बट अभी 800 किलोमीटर हुआ था तो बदल ही दिया इन्होंने। तो मतलब की मोबियल वोबियल डलवाना था वो तो पड़ गया है, अब ना बाइक धुलने जा रही। और यार साइलेंसर की हवा यहाँ तक आ रही है जैसे बुलेट में नहीं आती है, ये देखो। हमने ना इंस्टाग्राम पे वीडियो देखी है, ये वाली मशीन जिससे कि बाल सही करे जाते हैं, तो मतलब इसमें बहुत तेज की हवा होती है, तो चलो आज हम भी सेट करते हैं। बस यही बाकी रह गया था। ठीक है, कितने मस्त बाल से सो रहे हैं। अब ये मशीन गाड़ी की सफाई थोड़ी ना किया करेगी, ये तुम्हारे बालों की सफाई किया करेगी, है ना। कितने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास, कितने शानदार विचार रखते हैं जी। बाइक तो अपनी धुल दी गई है, अब ना उसी से सुखाया जाएगा जिससे हम अपने बाल सही कर रहे थे। देखते हैं इससे कैसे सूखती है। अच्छा बाइक अपनी पूरी धुल चुकी है, पॉलिश हो चुकी है, फिर से अपनी बाइक जो है पूरी चमक चुकी है उत्तराखंड राइड के बाद। बज रहा है, रीच्ड हूँ और अब ना व्लॉग एडिटिंग पे लगते हैं। मेरे को लग नहीं रहा है आज 8 बजे व्लॉग आ पाएगा। एडिट तो हो जाएगा बट 4K 60 FPS पे अपलोड होने के बाद ना उसे प्रोसेसिंग लेने में बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, इसीलिए अब जल्दी से एडिटिंग करते हैं और फिर आपसे मिलते हैं। गाइस हम ना व्लॉग की एडिटिंग कर रहे थे कि हमें आवाज़ सुनाई दी है, हमारे यहाँ ना महिमा दीदी आई हैं, वो हमें ऊपर सरप्राइज़ देने के लिए आ रही होंगी, इससे पहले चल के हम उन्हें सरप्राइज़ दे देते हैं। उन्हें लग रहा है, मेरे को पता नहीं बट मेरे को उनकी आवाज़ सुनाई दे गई है, तो चलो नीचे चलते हैं। धीरे 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 ये हमें आवाज सुनाई देगा आपकी, ये भी बात सही है। 10 बज रहा है एंड व्लॉग जो था आज अपना 8:30 बजे लाइव हुआ था, थोड़ा सा लेट हो गया। एक्चुअली इस वजह से लेट हुआ क्योंकि आज ना मैंने काफी दिनों बाद फिर से काइन मास्टर में एडिट किया, वो भी आईफोन 13 प्रो में। तो यार इसमें ना इतना अच्छा नहीं चल रहा है, मैंने मेंबरशिप भी ले ली यार, मेरी मेंबरशिप भी खराब गई। और हाँ मैंने शायद आपको बताया 1 साल की, तो 1 साल की नहीं ली है मैंने, 1 महीने की ली है। 1 महीने की कितने की पड़ी थी, कुछ 1 महीने की पड़ी थी 250 रुपए की, ध्यान ली थी मेरे को ध्यान नहीं रहा। उन्होंने अच्छा करा कि 1 महीने की ली, उन्होंने बोला था पहले टेस्ट कर लो इसमें कैसा चल रहा है, अच्छा चल रहा हो तो पूरी ले लेना, वैसे 1 महीने की तो कहो अच्छा रहा, पूरे साल की ले ली वरना पूरा पैसा बर्बाद होता। तो इसमें दिक्कत ये आ रही है कि व्लॉग एडिट में भी थोड़ी बहुत दिक्कत आ रही है क्योंकि स्क्रीन काफ़ी छोटी हो जाती है, क्योंकि देखो एप्पल में नॉच होती है ना, तो नॉच वाला जो पूरा एरिया है ना उतने में तो है ही नहीं सॉफ्टवेयर, इधर से चालू होता है तो एडिटिंग में काफ़ी छोटा पड़ जाता है। साथ में और भी कई सारी दिक्कतें आ रही हैं, स्मूथ नहीं है, और जो उसमें स्पीड वाला है जैसे कि आईफोन का जो आई मूवी है उसमें तो स्लोमो बिल्कुल सेट हो जाता है, लेकिन इसमें स्लोमो नहीं सेट होता, स्पीड नहीं बढ़ती है, स्पीड कम नहीं होती है, इसमें ये सारी दिक्कतें आ रही हैं। और भी कई सारी दिक्कतें हैं जैसे कि जो भी उत्तराखंड राइड है ना वो मेरे को 4K 60 FPS पे करनी थी, ठीक है। तो इसमें आज जब मैंने 4K 60 FPS पे रेंडरिंग पे लगाया तो वो व्लॉग पता कितने GB का बैठ रहा था, 19 GB का, मतलब कि 19 मिनट का व्लॉग 19 GB का, मतलब ये काफ़ी ज़्यादा ही है। जिन लोगों को नहीं पता है 4K 60 FPS खाता है, स्टोरेज बहुत खाता है, बट आई मूवी जितने भी ये सब सॉफ्टवेयर है ना मैं ना ये 4K 60 FPS का व्लॉग ज़्यादा से ज़्यादा 6 GB या 7 GB का होता, क्योंकि ये सारे सॉफ्टवेयर ना कम GB में क्वालिटी और ज़्यादा देते हैं। बट काइन मास्टर का पता नहीं क्या है 18 GB का व्लॉग, मैं व्लॉग तो अपलोड कर दूंगा 18 GB का, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, वाईफाई है, लेकिन उसको प्रोसेसिंग होने में यूट्यूब बहुत ज़्यादा टाइम लेगा, यानी कि अपलोड होने के बाद करीबन करीबन नहीं तो 6 से 7 या 8 घंटे के ऊपर भी लग सकते हैं। उस दिन मैंने कुछ 4K 60 FPS पे अपलोड किया था, व्लॉग था करीबन 20 मिनट का, तो उसको तो भैया 7 घंटे लग गए प्रोसेसिंग होने में, तो भाई डेली व्लॉगिंग में ऐसे तो हो नहीं पाएगा, इसीलिए कल से जो है मैं आई मूवी में ही एडिट करूँगा जो नेक्स्ट व्लॉग है
चाहे 4K का ऑप्शन आए या ना आए। आई मूवी में यही दिक्कत आ रही थी कि उसमें ना 4K 60 FPS का ऑप्शन नहीं आ रहा था, कभी कभी आता है कभी कभी नहीं आता, ये था। तो उस चक्कर में मैंने सोचा लो काइन मास्टर ले लूँ, उसमें परमानेंटली रहता है, जब चाहे 4K में करो, 2K में करो, 1080 में करो। बट अब तो आई मूवी से ही काम चलाएंगे, मेरी सब्सक्रिप्शन जो है ख़राब जा चुकी है। अगर कोई iOS यूज़र हो एंड उसे काइन मास्टर चाहिए हो तो बता देना, मेरा ले लेना, मेरा बेफालतू का ही जा रहा है 1 महीने का, ठीक है। एंड गाइस, कल ना सागर दादा को निकलना है वापस जम्मू के लिए, उनकी छुट्टी ख़त्म हो रही है, बस 10 दिन की छुट्टी थी। एंड कल है 31 तारीख, ये जो व्लॉग शूट हो रहा है ये 30 तारीख को हो रहा है, पता नहीं ये व्लॉग आएगा कब, क्योंकि हमारे पास बहुत ही ज़्यादा व्लॉग हैं इस समय। तो सागर दादा कल निकलेंगे, अभी वो सोने के लिए जा चुके हैं, घर में भी सब लोग सो चुके हैं, क्योंकि कल सुबह जल्दी उठना है, उनकी ट्रेन सुबह 7 बजे की है। तो गाइस, इस व्लॉग को यहीं एंड करते हैं, अगर व्लॉग पसंद आया तो लाइक कर देना, चैनल पर ना तो सब्सक्राइब कर देना। मिलेंगे कल जल्दी ही आपको नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए गुड नाइट। चलो भाई, सर्विसिंग डन, मोटू भी अपने कहाँ गया, मोटू इधर आओ तुम। अच्छा मोटू, मिलते हैं आपसे जल्दी ही। अरे इसे पकड़ो जरा यार, हाथ ही नहीं मिला पा रहे हम तुमसे यार। ठीक है, कोई बात नहीं, बाय बाय। Yeah, we keep moving like the river goes.